शांति। आप सबको स्वागत है आज के 7 जून के श्री वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सारी जिम्मेवारियाँ जो बोझ हमने अपने बनाए हुए हैं वो परमात्मा को देकर के हल्के हो जाएं और परमात्मा की जो सेवा है उनमें हम लग जाएं। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, क्या याद रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, कि मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ। चाहे वो जितना बड़ा टास्क हो, चाहे जितना स्मॉल हो, छोटा सा भी हो, लेकिन मेरे साथ परमात्मा है। मेरे परमात्मा की शक्तियाँ हैं, गुण हैं, ज्ञान है, स्वयं परमात्मा मेरे साथ हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करना है, जल्दी करो, लेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं तो माथा गर्म हो जाता है और भारी हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगा। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, बहुत बड़ा टास्क है, अकेले नहीं होगा, मुझे देखना है, मुझे हर किसी को गाइड करना है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, चाहे जितना बड़ा भी काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि ये एक प्रोसेस है परमात्मा से संबंध जोड़ने का और परमात्मा को इस समय अपना साथी बनाने का, कि बाबा आइए ये कार्य साथ में मिलकर करें। तो बुद्धि हल्की और जो वो बुलवाना चाहते हैं बुलवा लेते हैं। बुद्धि में हमारे ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान मुझे यूज़ करना है इस समय वो केवल वो जानते हैं, उनको पता है कि इस समय क्या बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना है। तो बाबा परमात्मा पिता शिव बाबा आप आइए ये कार्य मिलकर के करें। बस सिंपल सी चीज़ है, उसमें फिर दो पावर्स आ गई, आप और शिव परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान। तो फिर वो कार्य सफल हो गई रहेगा और हल्केपन से होगा, कोई भारीपन नहीं महसूस होगा आपको। लेकिन ये करना कैसे, इसको तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एक संबंध जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो आपके साथ ही बनेंगे। उसके लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करें संकल्पों से, ये चीज़ सीखने की है। इसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। आप भी आकर के इसको सीख सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।